नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। हमारे दो हॉस्पिटल अकोला महाराष्ट्र में है जहां हम मनोरुग्ण और व्यसनी लोगों का इलाज करते हैं। एक हॉस्पिटल है जहां हम मनोरुग्ण और व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं, और दूसरा एक हॉस्पिटल है जहां मनोरुग्ण और व्यसनी लोगों को बिना रिश्तेदार भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि काफी लोग मेरे पास में आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हम बड़ा काम नहीं कर पाए, बड़ा कहीं हाथ डालते हैं तो हमारे हाथ में मिट्टी आती है, और लोग जो बड़ा काम करते हैं उनके हाथ में सोना आता है, ऐसा क्यों? और वो काफी फिर डर रहते हैं, उदास रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, और फिर बड़ा कोई गेम वो लाइफ में लेते नहीं। मैं उनको बोलता हूं कि आप सोचो कि आप बड़े लोगों के माफक क्यों नहीं बने, और बड़े कौन से लोग? बड़े लोग है ब्रीमोहन मुंजाल, हीरो होंडा का मालिक, अभी गुजर गए हो। एट द एज ऑफ 80, 80 साल की उम्र में बड़ी बड़ी सोच और बड़े बड़े इनोवेशन की सोच कर रहे थे वो, और हर बार कुछ ना कुछ हीरो होंडा बाइक में नया 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 लाते थे। दिलीप सांघवी सन फार्मा के मालिक है। सुनील मित्तल भारतीय एयरटेल के मालिक है, जो एक साइकिल शॉप उनकी थी और आज इतने बड़े इंस्टीट्यूट एंटरप्राइज के वो मालिक है। राजेश अग्रवाल माइक्रोमैक्स कंपनी मोबाइल उसके मालिक है। किशोर बियाणी जो बिग बाजार है उसके मालिक है। धीरूभाई अंबानी रिलायंस के मालिक थे, उन्होंने पेट्रोल पंप पे काम करने वाला व्यक्ति इतना बड़ा बन सकता है, बन गया। अभी हमारे सामने सामने रामदेव बाबा है कि योगा योग गुरु करके काम चालू किया और इतने साल में बड़े इतने मतलब एक 5-7 साल में बड़े बड़े कंपनियों को टक्कर दे रहे, और FMCG है गुड्स मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है उसमें वो बहुत बड़ी टक्कर दे रहे। श्री श्री रविशंकर देश विदेशों में उनके आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज चले, इतने बड़े व्यक्ति महान व्यक्ति बन गए। जावेद हबीब है कटिंग सलून वाला व्यक्ति, मगर आज 600 ब्रांचेस अपने देश में और बाकी भी अलग अलग देशों में भी है फ्रेंचाइजी। तो इनके मार्फत क्यों नहीं बने, क्या हुआ ऐसा, हमने ऐसा क्या किया? बड़े जब लोग बनते हैं तो उनको बड़ा बनने के लिए कोई उनके पास में कोई रीजन नहीं रहते कि भाई हम बड़ा क्यों नहीं बनते। वो व्यक्ति टोटली बिना कारण के बिना वजह के वो काम करते रहते हैं, कुछ भी रीजन उनको बीच में आते नहीं और कुछ भी स्टॉप्स उनको आते नहीं है, और आ भी गए तभी भी वो उसको पार करके आगे बढ़ते हैं। हमको क्या सिखाया गया पहले से ही, भाई छोटा सोचो, चद्दर देख के पैर पसारो, जितना अपन कर सकते उतना ही करो। भाई चद्दर देख के पैर पसारो क्यों, भाई चद्दर देख के पैर पसारो ऐसा क्यों? हम हरदम बोलते हैं ऐसा कि भाई हाथ पैर पसार लो, बड़े कर लो, और फिर बेडशीट जो है वो डबल बेड की लाओ, बड़ी बेडशीट लाओ और हाथ पैर को कवर करेंगे ऐसे लाओ। तो भाई हाथ पैर पसार लेना है और बाद में बेडशीट जो है वो बड़ी करने की, वो हमने हमको सिखाया गया। हमको सिखाया गया कि छोटा छोटा खेलो, छोटा गेम खेलो, कभी गिरने का नहीं, गिर गया तो अच्छा नहीं है, फेल हो गया तो अच्छा नहीं है, रिस्क कभी लेने का नहीं, एकदम रास्ते पे आ गए तो क्या प्रॉब्लम होगा, जो बाकी लोग कर रहे हैं वो करो। जैसा मुझे मोबाइल अच्छा चाहिए, मोबाइल मुझे बहुत भारी मोबाइल चाहिए वापरने के लिए, मगर मोबाइल नया क्रिएट करूं वो मेरे दिमाग में कभी आता नहीं और मैं करता भी नहीं हूं। मुझे खाना अच्छा रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने का है, मगर रेस्टोरेंट में खुद का डालने का कभी सोचूंगा भी नहीं, या रेस्टोरेंट की चेन डालने की मैं कभी सोचूंगा नहीं। मुझे अच्छे कपड़े पहनने के हैं, मगर कपड़े मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी का मालिक बनने की मैं कभी सोचता नहीं। तो मैं एक्चुअली क्या है कि मैं कॉम्पिटिशन में एक तो काम करूंगा या फिर मैं कंज्यूमर बन के रहूंगा, मैं क्रिएट करूंगा नहीं। बड़े जो लोग होते वो क्रिएट करते हैं, वो नया नया सोचते हैं, नए दिमाग में आइडियाज लाते हैं और बड़ी सोच करके, नया सोच करके, स्पेशली नई सोच करके, उसमें वो इन्वेंशन करके, इनोवेशन करके कुछ तो नया लाके बहुत बड़े व्यक्ति बन जाते हैं। और दूसरा उनके पास में बड़ी भी सोच है, बहुत बड़ा सोचते हैं, और फिर रिस्क भी लेनी पड़ेगी। हमको बचपन से क्या सिखाया, गिरने का नहीं, ज्यादा बड़ा गेम लेने का नहीं, ज्यादा हाथ पैर पसारने का नहीं, फेलियर होना अच्छा नहीं है, जैसा बाकी लोग कर रहे वैसे ही करो, अपने
पांच सात पीढ़ी में कभी इसने बिजनेस किया नहीं तो बिजनेस मत करो, सर्विस करो, या फिर अपने गांव में सर्विस करो, ज्यादा बाहर गांव मत जाओ या बाहर दूर मत जाओ, फिर लोन लेके काम मत करो, कर्जा लेके काम मत करो, लोगों के साथ में पार्टनरशिप मत करो, लोग डुबा देते हैं, लोग फंसाते हैं, और छोटा करेंगे तो ठीक रहेगा, अपने को क्या दो टाइम की रोजी रोटी मिलेंगी तो अच्छा है, इसलिए वो बड़ा सोचते भी नहीं। मैं हरदम बोलता हूं कि आपका गोल इतना बड़ा होना चाहिए कि वो गोल सुन के पांच लोगों ने आपको पागल बोलना चाहिए, और जब लोग आपके ऊपर हंसेंगे नहीं कि इतना बड़ा गोल तो कर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा किसने बता दिया, और ऐसा लोग बोलने लगे समझना कि अपना गोल जो है वो बड़ा है। यदि लोग बोलते हैं हाँ ठीक है तू कर सकता है, समझ जाना कि वो गोल छोटा है। तो कम से कम पांच लोगों ने आपके ऊपर हंसना चाहिए या पांच लोगों ने आपको बोलना चाहिए पागल है ये नहीं कर सकता तू। तो हमको जो सिखाया गया है कि कॉम्पीट करो, वहां से दूर हटना चाहिए, कॉम्पिटिशन में कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं होता है, इनोवेटर जो है वो बड़ा काम कर सकता है। वैसे जो ये बड़े जो लोग हैं उनके पास में देर इज नो फियर ऑफ फेलियर एंड देर इज नो फियर ऑफ कॉम्पिटिशन, कोई उनके दिमाग में फेयर ही रहता नहीं, वो हरदम हंग्री रहते, भूखे रहते, हंग्री काय के लिए, हंग्री सक्सेस के लिए, हंग्री बड़ा करने के लिए, बहुत बड़ी भूख रहती है, और वो कभी सेटिस्फाइड रहते ही नहीं, दे आर नेवर सेटिस्फाइड पीपल, वो कुछ ना कुछ करेंगे और जो मिला उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं उनको, और जब सेटिस्फेक्शन नहीं रहता तो आदमी कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे ही, जब जो है उसमें ठीक है ऐसा लगेगा तो फिर होता नहीं। और ये लोगों के पास में बड़ा कॉज रहता है, बड़ा पर्पज रहता है कि भाई नया मुझे कुछ करने का है और उसके साथ में कुछ तो भी बड़ा काम करना है, और वो पर्पज जो है वो इट इज बिगर देन देमसेल्स, मतलब उनसे बड़ा होता है, मतलब लोगों के लिए वो होता है, लोगों को कैसा सर्व किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं कैसा सर्व करूं और वो सर्व करते करते मैं कैसा बड़ा बनूं वो देखते हो, मुझे बड़ा बनना है करके बड़ा कुछ करने का नहीं है, लोगों को बड़ा करने का है, लोगों के लिए मैं खड़ा हूं, लोगों को सर्विस दूंगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों का जब भला करूंगा तब आप ही आप मैं बड़ा हो जाऊंगा, ऐसी सोच विचार या ऐसी सोच ऐसे विचार लोगों के होते हैं। तो आपको बड़ा बनना है तो जरूर मैं अभी तक जो बोला हुआ बातें आप स्वीकारते हैं, उसका पालन करते हैं, अपने लाइफ में लाते हैं, तो डेफिनेटली आपको आपके बिजनेस में यश मिलेगा, आप जो भी कर रहे काम उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपके परिवार में, आपके संपर्क में, आपके दोस्त ऐसे बहुत सारे होंगे जिनको ये वीडियो काम में आएगा। हमारा जो उद्देश्य है वो मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन, हर एक के लिए मानसिक स्वास्थ्य, और जो आदमी अच्छा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको अधिकाधिक क्षमतापूर्वक उसको कैसा बढ़ावा दिया जाए, शक्तिशाली कैसा करें हम देखते हैं, और व्यसन मुक्त भारत ही हमारा संकल्प है, उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। जरूर वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू वेरी मच।